सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड में आयोजित राष्ट्र सेविका समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रबोध शिक्षा वर्ग के 15 दिनों के बौद्धिक सत्र में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस दौरान प्रशिक्षार्थियों ने अपने कौशल कला का प्रदर्शन किया, साथ ही ध्वजारोहण भी किया गया। राष्ट्र सेविका समिति हिंदू महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन है। संगठन के मंत्र और तंत्र से ही तजोमय भारत एवं अखंड हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के द्वारा ही जीजाबाई ने धन जननी बनने का गौरव प्राप्त किया। समिति का उद्देश्य है कि स्त्री संगठित और संस्कारित हो, क्योंकि सचेत एवं संगठित नारी ही अपनी संतानों को संस्कारों से ओतप्रोत कर इतिहास बदल देती है। राष्ट्र सेविका समिति विचार मंथन से निकला हुआ नवनीत ही नारी राष्ट्र का आधा हिस्सा है। सशक्त एवं समर्थ नारी ही भारत को स्वर्ण शिखर पर आरूढ़ कर सकती है। इतिहास में सीता, द्रौपदी, पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई आदि अनेकों चरित्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उनको तेजस्विता ने ही उनकी अस्मिता की रक्षा की है। अतः राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा सशक्त नारी एवं सशक्त राष्ट्रीय परिकल्पना साकार हो रही है। साथ ही साथ धैर्यवती, शीलावती, समर्थ नारी का सतत निर्माण हो रहा है, जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। समापन समारोह को वर्गाधिकारी नलिनी श्रीवास्तव और अखिल भारतीय सह कार्यवाहक अलका इनामदार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका अलका इनामदार, अध्यक्षता डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, क्षेत्र कार्यवाहिका शारदा पांडे सहित राष्ट्र सेविका समिति पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रवेश संबोधन समिति शिक्षा वर्ग में कानपुर, अवध, काशी व गोरखपुरांत से आए प्रशिक्षार्थी और संघ से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर की कार्यवाहिका एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर सरोज तिवारी ने कहा, Thank you.
वर्तमान समय में आप मेडिकल कॉलेज के विभिन्न दायित्वों को संभालते हुए उपस्थित है, जिनके जो हमारे राज्य सेविका समिति की महानगर कार्यवाही कहती, लेकिन हमारे बीच बैठी है रंजना पांडे दीदी, जो अवध प्रांत में काफी लंबे समय से कार्य कर रही हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दिवसीय शिविर आयोजित किए जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश राष्ट्र सेविका समिति के 17 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की वर्गाधिकारी का दायित्व होने के कारण मैं संक्षिप्त रूप में इस वर्ग का व्रत दे रही हूँ। दिनांक 30 मई से 15 जून 19 तक आयोजित ये प्रवेश प्रबोध शिक्षा वर्ग गोरखपुर के सरस्वती बालिका विद्यालय सूर्यकुंड के मनोहर वातावरण में संपन्न हुआ। इस शिक्षा वर्ग में क्षेत्र के चारों प्रांत अवध, काशी, गोरक्ष, कानपुर के उप स्थानों से 253 शिक्षार्थी बहनों ने भाग लिया। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक वेस्ट दिनचर्या में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास की दृष्टि से इस वर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। आत्मीय सेविका बहने, भारत माता का वर्णन अभी हमने सुना है, यह हमारी माँ है। जब हम भारत माता इस शब्द का उच्चार करते हैं, तब हमारे अंतकरणों में भावों का एक सम्मिश्र ऐसा प्रभाव हो जाता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा यह भौगोलिक संपत्ति से भरपूर यह देश, केवल भौगोलिक संपत्ति ही नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिया विविध मत पंथ से भरा हुआ यह देश और इस देश का इतिहास। हम जब इस देश के इतिहास की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारे समझ में आता है, हमारे मन में विचारों की उर्मी ऐसी आती है कि यह तो अनादि है। इसका आरंभ, इस संस्कृति का आरंभ कब हुआ किसी को भी पता नहीं है। हमारे इतिहास के पुस्तक के पहले पन्ने अभी तक किसी को मिले ही नहीं है, क्योंकि जितना हम पीछे जाए तो ध्यान में आता है कि अरे इससे पीछे और भी कुछ है, उससे पीछे और भी कुछ इतिहास है। तो यह सारा एक अपना तेजोमय जो इतिहास है, इस तेजोमय इतिहास पर सुवर्ण युग के बाद एक ऐसा वातावरण बन गया कि समाज आत्मसंतृप्त हो गया और आत्मसंतृप्ति राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं होती है। राष्ट्र ने गिजगिषु रहना ही है। यह आत्मसंतृप्ति के कारण हमारा क्षात्र भाव जो है उसका भी विलोप हो गया। लोगों को राष्ट्र की रक्षा करनी है, इसका उद्बोधन देने की स्थिति आ गई। कारण बहुत सारे हैं। शायद इतिहास का एक कालखंड ऐसा रहा जब इस समाज को अस्तित्व के लिए ही संघर्ष करना पड़ा। सांस्कृतिक विकास
के लिए सोचना ही बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि अस्तित्व को बचाना सबसे प्रथम अपनी प्रायोरिटी बन गई थी। शायद उस कारण से हो सकता है नेतृत्व देश के पास नहीं था। ब्रिटिशों ने जो एक शिक्षा पद्धति का आरंभ किया था, उस शिक्षा पद्धति का फल दिखने लगा था। एक विचारधारा समाज में ऐसी उत्पन्न हुई थी, जो विचारधारा के लोग, जिस विचारधारा के लोग मानते थे कि हमारे देश में क्या रखा है, हमारा देश का इतिहास क्या है, ऐसा मानने वाले लोग समाज में नेतृत्व कर रहे थे। केवल राजकीय नेतृत्व की बात मैं नहीं कर रही हूं, समाज के नेतृत्व की भी मैं बात कर रही हूं। समाज को वैचारिक नेतृत्व देने की आवश्यकता होती है, नैतिक नेतृत्व देने की आवश्यकता होती है, और ऐसा नेतृत्व देने वाले व्यक्ति भी इसी तरह सोच रहे थे कि दिस इज द नेशन इन द मेकिंग। और अभी हमें बहुत कुछ सीखना है पाश्चिमात्य देशों से। जब प्रजाप्रभुत्व की बात आई तब भी हमें ऐसा ही लगा कि अरे इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। अरे अपने यहां भी गणराज्य थे, आचार्य चाणक्य ने गणराज्य की संकल्पना हमें दी थी, उसका अध्ययन करना चाहिए, ऐसा हमें नहीं लगा। शाला कॉलेजों के लिए अभ्यासक्रम निश्चित किए गए। अभ्यासक्रम निश्चित करते समय भी अपने आप को खोजकर अपना अस्तित्व क्या है, अपना इतिहास क्या है, अपनी परंपराएं क्या है, उसका प्रशिक्षण, उसका ज्ञान विद्यार्थियों को मिले, इस दृष्टि से पाठ्यक्रम की रचना नहीं हुई। रचना ऐसे हुई कि पीढ़ी बदर पीढ़ी ऐसे ही लगने लगा कि पश्चिम के ओर देखना चाहिए, पश्चिम में जो जो घटता है वो सारा अनुकरणीय है, हमारे यहां क्या है, कुछ भी नहीं है। इसी मानसिकता के कारण युवाओं में भी एक होड़ सी लगी कि उच्च शिक्षित होने के बाद अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को इसी देश के लिए उपयोग में लाना है, इसे भूलकर उस ज्ञान का उपयोग अर्थार्जन के लिए केवल करना है, और अर्थार्जन अधिक मिल पाएगा पाश्चिमात्य देशों में, इसलिए यहां से वहां जाने की होड़ सी लग गई। अनेक साइंटिस्ट जिनका सारा प्रशिक्षण यहां भारत में हुआ है, ऐसे साइंटिस्ट आज नासा में बैठे हैं और उनके विज्ञान का, उनके ज्ञान का उपयोग नासा को हो रहा है। हिंदू इस शब्द का अर्थ ही ऐसा है, हीनात दूयते इति हिंदू, जो हीन है, जो त्याज्य है, जो समाज जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसी बातों को दूर रखने वाला वही हिंदू है। इस नाथ परंपरा के कारण अनेक आपत्तियों के बाद भी, अनेक आक्रमणों के बाद भी हमारा धर्म जीवित है। मैं हिंदू हूं ऐसे अभिमान से कहने वाला व्यक्ति आज इस धरती पर यदि है तो इस संत परंपरा के कारण ही है। इन्होंने समाज के सामान्य से सामान्य जनों को अत्यंत मधुरता के साथ, अन्यान्य रचनाओं के साथ, काव्य में, गीत में, लोकगीत में जो एक प्रबोधन किया है, इस प्रबोधन के कारण ही हमारे समाज की नैतिकता और हमारे समाज की जीवंतता आज तक बनी हुई है। राज सेविका समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है का प्रशिक्षण वर्ग है, शिक्षा वर्ग है, इसमें चार प्रांतों की, गोरक्ष प्रांत, कानपुर प्रांत, अवध प्रांत और काशी प्रांत, चारों प्रांतों की लगभग 253
बहनें जो 14 ईयर से लेकर के 45 ईयर तक की इसकी अर्हता है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। इन प्रांतों से विभिन्न स्थानों की बहनें हमारे यहाँ 253 आई हुई हैं और ये प्रशिक्षण वर्ग 30 मई से शुरू हुआ है, 17 दिन का होता है और 31 से शुरू हो करके आज उसका समापन है। सुबह दीक्षांत कार्यक्रम हुआ था। इस दिनों में विभिन्न दिन भर की दिनचर्या जो रहती थी, विभिन्न सत्र चलते थे जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण 2 घंटे का सुबह का होता था, उसके बाद बौद्धिक सत्र 11 बजे से 12 बजे तक चलता था। उसमें विभिन्न विषयों का, जैसे अभी बताया गया तेजोमय भारत, आद्य संचालका जी के बारे में उनका परिचय, हमारा हम भारत को जाने, ऐसे अनेक विषयों को लेकर के बाहर के विभिन्न बौद्धिककर्ता को बुलाया गया था, उनका बौद्धिक सत्र चलता था। उसके बाद में चर्चा सत्र होता था, हम अपने भारत को जाने, क्या क्या विशेषताएँ हमारे भारत की है, उनका गठ सा चर्चा होती थी कक्षाओं में। वो हमारी जो शिक्षिकाएँ भी इसमें आई हुई हैं, मुख्य शिक्षिका 2 बहनें हमारी पुणे से आई हुई हैं, 20 बहनें हमारे सह शिक्षिका हैं और व्यवस्था की विभिन्न बहनें आई हुई हैं। लगभग हमारी 275 की हमारी संख्या थी इसकी वर्ग की। तो चर्चा सत्र के बाद फिर शाम को फिर 2 घंटे का प्रशिक्षण वर्ग, विभिन्न प्रकार के इनको शारीरिक प्रशिक्षण दिए जाते थे। इस वर्ग का जो उद्देश्य है, जैसे अभी चल रहा है बौद्धिक सत्र हमारा, वक्ता हमारी बता रही हैं कि इसका उद्देश्य जो था कि समाज के आधे वर्ग को, जो हमारी महिला का एक क्षेत्र है, आधा 50% है, उनको भी सशक्त करना। अगर हमारा एक पक्ष कमज़ोर रहेगा तो हमारा भारत कभी भी विकास नहीं कर सकता। ऐसे विचारों को लेकर के 1936 में हमारे आद्य संचालिका लक्ष्मीबाई केलकर ने इस राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना वर्धा में किया था। और जो मौसी जी का जो परिचय है, वो 4th क्लास पास थे और उनके पास अनेक पारिवारिक दायित्व थे, लेकिन जो समाज की उस समय परिस्थितियाँ थीं, स्त्रियों का जो स्थिति थी, अपने बीच स्वतंत्र नहीं थी, अनेक प्रकार का उनका शोषण होता, ऐसे विचार उनके मन में चल रहा था कि कैसे इससे इनका मुक्ति दिलाई जा सकती है। ऐसे विचारों को लेकर के जो अभी विषय आया कि माननीय हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में की थी, पुरुषों के लिए की थी, तो ऐसे ही गुण हमारे महिलाओं में भी विकसित हो, इस तरह के विचार को लेकर वो डॉक्टर साहब से मिली। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, ये तो पुरुषों का प्रशिक्षण है और ये संघ है, इसमें महिलाओं का आना संभव नहीं है। उन्होंने कहा आप साथ में आप महिलाओं का एक संगठन खड़ा कर सकती हैं। और इस तरह लेकर के आने वाले वर्षों में उन्होंने इस मातृशक्ति संगठन का उन्होंने खड़ा किया, जो राष्ट्रीय सेविका समिति के नाम से जाना जाता है। और तब से लगातार हमारी इसमें कम से कम 25 हमारी प्रचारिका बहनें भी देश भर में हैं और अनेक स्थानों पर क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला सा दायित्व तो दिया गया है, जो कार्यवाहिका के नाम से जाना जाता है, वो अपने आसपास के अपने नगर में, अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है। ऐसा वर्ग प्रतिवर्ष लगता है और ये विभिन्न प्रांतों में लगते हैं, चारों प्रांतों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो 4 प्रांत है, हर प्रांत में हर वर्ष बदल जाता है। ये हमारे इस बार गोरक्ष प्रांत में लगना था, इसलिए हमारे इस सरस्वती बालिका विद्यालय में इसका आयोजन किया गया है और अगले सत्र में सूचना इसी समय हो जाती है, कानपुर प्रांत में प्रशिक्षण वर्ग दिया जाएगा। तो यह समाज के महिलाओं को संगठित करने के लिए, सशक्त करने के लिए बहुत ही अच्छा ये संगठन है और समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं और नारी शक्ति को सशक्त करने की कोशिश करते हैं।